Myself, Rakesh Kumar, maths teacher, R. Shivaji Group of Institution. मैथ क्लास में सेवेंथ क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों आज एक्सरसाइज नंबर 30.2 का अध्ययन करेंगे। इसके बारे में जनरल अवेयरनेस आपको मैंने कल बता दी थी। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, घनाभ का आयतन ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 1, कुछ मापे दी गई हैं घनाभ की, उनसे आयतन ज्ञात करना है। तो लंबाई बराबर 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। लंबाई बराबर 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर 9 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर 4 सेंटीमीटर। पहला पार्ट है आपको लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई। घनाभ की लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। बच्चों ये फार्मूले आपको याद करने होंगे, अगर आप फार्मूले याद नहीं करेंगे तो आप मेंसुरेशन में आगे कर नहीं सकते हैं। इसलिए सबसे पहले फार्मूले याद करेंगे। लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर और गुणा चौड़ाई 9 सेंटीमीटर और गुणा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, तो बराबर इनका सबका गुणा कर दें तो 12 9 108 और गुणा 4 बराबर 4 8 32 और 4 × 4 यानी 432 अब घन सेंटीमीटर आएगा। आयतन जो भी होते हैं वो घन इकाई में लिखे जाते हैं। इसी प्रकार से अब सेकेंड और थर्ड भी हैं, बिल्कुल सेम इसी तरीके के हैं, इनको आपको स्वयं करना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो दूसरे पार्ट है इसके, उसमें भी लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई करके ही आपको निकालना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 में भी लिखा है घनाभ का आयतन ज्ञात करो जबकि भुजा या किनारा है। तो घनाभ नहीं होना चाहिए या घन होना चाहिए। घन का आयतन ज्ञात करना है तो पहले भुजा कितनी है फर्स्ट पार्ट में, तो भुजा बराबर, भुजा है 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। अब घन का आयतन, घन का आयतन बराबर भुजा के घात की, या बराबर हम कह सकते हैं भुजा गुणा भुजा और गुणा भुजा बराबर। भुजा कितनी है 2.5 सेंटीमीटर और गुणा 2.5 सेंटीमीटर गुणा 2.5 सेंटीमीटर बराबर। अब सभी का केवल गुणा करना है तो 25 25 625, दो अंक के ऊपर दशमलव लगा देंगे, 1 और 1 2, दो अंक के ऊपर दशमलव लगा दिया और गुणा 25 2.5। अब फिर से गुणा कर देंगे तो 25 25 125 हासिल आ गया 12 25 × 50 और 12 62, 6 हासिल आ गया और 25 × 6 150 और 6 156 156। अब दशमलव 1 2 और 3 अंक के ऊपर लग जाएगा तो 15.625 घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर या कभी कभी सेंटीमीटर क्यूब ऐसे लिख दिया जाता है, चाहे इसको घन सेंटीमीटर कहें या सेंटीमीटर क्यूब कहें, बातें एक ही हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है दो घनाभों की विमाएं। अब दो घनाभ हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में दो घनाभ हैं, पहला घनाभ और दूसरा घनाभ। तो फर्स्ट वाले की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो लंबाई दी गई है 8.5
8.5 सेंटीमीटर चौड़ाई बराबर है 5.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई है, ऊंचाई बराबर 4 सेंटीमीटर। तो इसका भी आयतन ज्ञात करना है, क्योंकि इसने कहा है उनके आयतन ज्ञात करो तथा उनकी तुलना कर भी करें, तो इसका ही आयतन ज्ञात कर लेते हैं। आयतन बराबर, आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई बराबर 8.5 गुणा 5.5 और गुणा 4। तो पहले 8.5 और 4 का कर लेते हैं, तो 4 × 5 = 20, 4 × 8 = 32 और 2 = 34, 34.0 × 5.5। अब गुणा करने में प्रॉब्लम है तो इधर कर लेते हैं, 5 का केवल 34 में करना है, तो 5 × 4 = 20 और 5 × 3 = 15, 2 = 17, 0 = 7 और 1, 0 = 7, 8 और 1, 0.1 अंक के ऊपर लग जाएगा तो बराबर ये हो जाएगा 187.0 सेंटीमीटर क्यूब। ये पहले घन का आयतन हो गया। अब दूसरे घन का आयतन, सेकेंड पार्ट, पार्ट सेकेंड नहीं इसी में है, दूसरे घन की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई है 6.8 सेंटीमीटर, 6.8 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 4.4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 3 सेंटीमीटर। तो दूसरे घन का आयतन, दूसरे घनाभ का आयतन, दूसरे घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये तो फार्मूला था। अब लंबाई कितनी है 6.8 सेंटीमीटर गुणा 4.4 सेंटीमीटर गुणा 3 सेंटीमीटर। अब 3 का गुणा पहले इसमें करेंगे, 3 × 8 = 24 और 3 × 6 = 18 = 20, 20.4 और गुणा 4.4, इसमें भी हम गुणा इधर कर लेंगे तो 4 × 16 = 8, तो 6, 1, 8, 6, 7, 9 और 8, 2 अंक के ऊपर लेना है तो यहां आ जाएगा तो बराबर 89.76 सेंटीमीटर क्यूब। दूसरे घन का आयतन कम है और पहले घन का आयतन अधिक है, ये कह रहा था तुलना कीजिए। तो अब तुलना करने का मतलब है हमको बड़े में से घटा देना है छोटे वाले को, तो तुलना 187.00 और 89.76 माइनस कर देंगे तो 4 हो जाएगा और यहाँ 2 रह जाएगा, 16 × 9 कम करेंगे तो 7 रह जाएगा और अब 17 × 8 कम करेंगे तो 9 रह जाएगा। तो पहले घन का आयतन, पहले घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन 97.24 सेंटीमीटर क्यूब अधिक है, अधिक है। तो ये हो गई इसकी तुलना। चौथा नंबर है एक घनाभाकार बर्तन 15 सेंटीमीटर लंबा और 10 सेंटीमीटर चौड़ा है, यदि इसका आयतन 750 घन सेंटीमीटर हो तो उसकी ऊंचाई याद करो। क्वेश्चन नंबर है 2, ये 3 था, तो यहां लिखेंगे घनाभ का
आयतन बराबर पेपर ओवर होने के बाद जब आप पूरी नौकरियां कलेक्ट कर लें काम कर लें उसके बाद ही रिवाइज अपने बच्चों को रिलीज करेंगे। सबसे पहले बेल लगने पर सभी रूम्स की गर्ल्स निकलेंगी, तो जो भी प्री रेडर है इस बात का ध्यान रखें और जो टीचर्स रिलीविंग ड्यूटी में लगे हुए हैं अपनी अपनी वीक में खड़े हो जाएंगे। पेपर छूटने से पहले वो अपनी अपनी वीक में तुरंत पहुंच जाएंगे। तो घना का फर्स्ट बेल लगते ही सभी क्लासेस से गर्ल्स निकलेंगे और कोई भी बच्चा वीक में इधर उधर खड़ा ना हो सीधे बेल लगने के बाद सीधे बाहर निकलेगा। आपस में बातचीत बिल्कुल भी ना करें। ये वीक में चार जो भी वीक में ड्यूटी कर रहे हैं टीचर कोई बात का ध्यान रखें। घनांक का आयतन है 750 सेंटीमीटर। अब लंबाई और चौड़ाई दी गई है 15 सेंटीमीटर लंबा है और चौड़ाई है इसकी 10 सेंटीमीटर। और इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है तो ऊंचाई को हमने ऊंचाई लिख दिया जो गिवन में था वो उसी जगह से नोट कर दिए। अब ये इस तरफ 15 और 10 गुणा में है, इसको अगर हम बाई तरफ लेके आएंगे तो भाग में आ जाएगा। तो 750 और बटे 15 गुणा 10 बराबर ऊंचाई। 0 से तो 0 कैंसिल हो गया, 15 पंचे 75, 5 सेंटीमीटर बराबर ऊंचाई। आंसर मिल गया घनाभ की ऊंचाई बराबर, घनाभ की ऊंचाई बराबर 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों आपने एक्सरसाइज नंबर 13.2 में क्वेश्चन नंबर 4 तक अध्ययन कर लिया। तो इस क्लास में इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।